नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो EL 204 है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, उसमें जो सबसे बेसिक टॉपिक है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन, उसको उसके बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं और पीएन जंक्शन के बारे में हम इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम उनको तीन भागों में बांट सकते हैं कि पहले मटेरियल्स वो होते हैं जिनको कि हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली आपके कंडक्शन बैंड से, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, तो उन्हें हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। तो इसमें जो आते हैं वो आपका गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, कॉपर आता है, दीज आर बेसिकली वेरी गुड कंडक्टर्स। और मटेरियल्स की जो दूसरी टाइप होती है बेसिकली वो इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे उनमें मतलब आपका वैलेंसी बैंड और जो आपका कंडक्शन बैंड होता है उसमें जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मटेरियल्स जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करते हैं उनको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं, लाइक रबर, ग्लास, टेफलॉन, माइका, ये सारे जो रहते हैं वो आपके इंसुलेटर्स रहते हैं। और अब इन दोनों के बीच में एक अलग क्वालिटी के मटेरियल्स आते हैं और दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इस पूरे सब्जेक्ट में वो हमारा इंटरेस्ट रहेगा जिसके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं, तो वो बेसिकली जो है वो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं कि मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी फॉल्स बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। मतलब जिनकी कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से ज़्यादा है और आपका कंडक्टर से कम है, तो सेमीकंडक्टर्स को बेसिकली हम लोग पार्ट टाइम कंडक्टर्स भी कह सकते हैं कि जिसकी कंडक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ये जो फिगर दिखाया हुआ है इसमें देखिए कि जो उसकी कंडक्टिविटी है मो पर सेंटीमीटर में आपको दिखा रखी है, तो ऊपर तो कंडक्टर्स हैं आपके जैसे सिल्वर, कॉपर, और ये बीच में जो आपके दिख रहे हैं ये आपके सेमीकंडक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो सेमीकंडक्टर्स उसकी जो 10^-3 से 10^0 मो पर सेंटीमीटर इसकी रहती है और इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी है वो नेगेटिव में रहती है बेसिकली। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप में होते हैं। फोर्थ ग्रुप का मतलब हो गया कि उनके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेसिकली, तो चार इलेक्ट्रॉन्स रहते तो उनका हाफ डिकेड भी पूरा हो रहा है, तो हाफ डिकेड उनको स्टेबिलिटी भी देता, तो इसलिए वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और अब इसमें जैसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि फोर्थ ग्रुप में भी हम लोग जो बोरॉन और सिलिकॉन, ये दो मटेरियल्स जो हैं वो हम लोग एज ए सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे नीचे वाले जो हैं वो रेडियो एक्टिव लाइन्स में आ जाते हैं और इसके ऊपर वाला जो रहता है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इस वजह से उसको हम लोग इतना सेमीकंडक्टर मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के काम में नहीं लेते हैं। तो सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज टू बिल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बोरॉन से ज़्यादा होती है और इसका जो रिवर्स सेचुरेशन करंट इसमें जो फ्लो करता है वो टेम्परेचर के साथ में भी कंपेरेटिवली बोरॉन टू कम बदलता है। इसका जो कटिंग वोल्टेज है वो कटिंग वोल्टेज इसका 0.7 रहता है और जबकि बोरॉन का 0.3 रहता है, और इसका जो एनर्जी बैंड गैप है वो आपका इसका सिलिकॉन का वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रहता है। तो इससे क्या इसको नेचर में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और ज़्यादा रोबस्ट डिवाइस जो होती है वो बेसिकली हम इसके साथ में फॉर्म कर पाते हैं। तो जैसे सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज टू बिल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, नेचर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ये। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा इज द मेन इन जैसे मैंने कहा कि नेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये जो मिट्टी है उसका मतलब ऐसा इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सेंट एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट ए क्यूबिक माइल ऑफ सी वाटर कंटेन्स 15,000 टन्स ऑफ सिलिकॉन। कि समुद्र के किनारे जो पानी रहता है उसमें आप देखिए कि अगर 1 क्यूबिक माइल की हम लोग बात करें तो उसमें 15,000 टन के आसपास आपको सिलिकॉन मिल जाएगा, बशर्ते कि आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उसमें। और तो इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कट करके उसको वेफर्स में हम लोग जो सिलिकॉन है वो उसको बना लेते हैं। ये देखिए जैसे सिलिकॉन जो है वो दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इसकी आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे अगर आप लोग देख पा रहे हैं। इसका सिंबल जो है वो ऐसा ही है, एटॉमिक नंबर इसका 14 है,
एटॉमिक वेट जो इसका है वो 28.086 है। तो ये बेसिकली अगर हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट रहता पर इसको हम लोग समझते हैं तो आगे हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होती है। एटॉम इन ए प्योर सिलिकॉन वाटर कंटेंस फोर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाहर के चार इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसी तरह से जर्मेनियम में भी जो आउटर मोस्ट शेल में जो है उसका चार इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इन क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ एसआई द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी एसआई एटम्स आर लॉक्ड अप इन कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड हिंदी में उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं, तो सहसंयोजक बंध के साथ में बाकी चार इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बंधा होता है। अब वो चारों के चारों अगर साथ में बंधे हैं तो जैसे सिलिकॉन वेफर के अंदर आपको कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा। प्योर फॉर्म में अगर सिलिकॉन की है तो उसमें आपको कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा। और वो फ्री चार्ज कैरियर क्रिएट करने के लिए हम लोग डॉपिंग करते हैं। डॉपिंग का मतलब उसमें हम लोग जो इम्प्योरिटी है, अगर आपको किसी भी सेमीकंडक्टर की अगर कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हम लोगों को उसमें इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है, जिसको अशुद्धि बोलते हैं। तो वो इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होता है, वो इम्प्योरिटी आपकी थर्ड ग्रुप से भी हो सकती है और फिफ्थ ग्रुप से भी हो सकती है। तो उससे अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, जैसे एन टाइप, पी टाइप, वो आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से बनते हैं। तो वो इम्प्योरिटी मिलाने से चार्ज कैरियर्स बनते हैं। और इन अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस प्योर एसआई वेफर डज नॉट यील्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वेफर। अब जैसे उसमें फ्री कैरियर है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्योर सिलिकॉन का वेफर है वो एज इंसुलेटर काम करता है। और तो इसीलिए इसको काम में लेने के लिए इसमें यूजफुल सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए इसमें फास्फोरस और जो बोरोन जो है वो सिलिकॉन के अंदर हम लोग ऐड करते हैं। तो इसी के साथ जैसे अभी हम लोगों ने बेसिकली अभी देखा था कि मतलब फास्फोरस फास्फोरस आपकी पेंटावेलेंट वो इम्प्योरिटी रहती है, पर हम लोग जैसे बहुत सी बार फास्फोरस की बजाय बोरॉन प्रीफर करते हैं। बोरॉन एक्चुअली उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसका वेपराइजेशन भी जल्दी होता है और वेफर के ऊपर थोड़ा इजीली डिपॉजिट हो जाता है वो, तो इसलिए बोरॉन हम लोग अधिक काम में लेते हैं। तो ये हमारा सारा सेमीकंडक्टर के बेसिक्स के बारे में था। अब सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, उसे पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं, फिर आगे उसको उसके एप्लीकेशंस में जैसे रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर्स और या मतलब फुल वेव रेक्टिफायर्स, ब्रिज रेक्टिफायर्स, वो कैसे बनाते हैं, वो आगे के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर्स।